हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपनी फार्मेसी। आज हम जाने वाले हैं ग्लाइको 6 क्रीम के बारे में, जो कि एक पॉपुलर फेयरनेस क्रीम है जो आपके हर मेडिकल शॉप में मिल जाती है। आज हम जानने वाले इस क्रीम के यूजर्स क्या है, सो किन किन बीमारियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ये आपको फेयरनेस देगा, क्या ये आपको ग्लोइंग देगा, क्या ये आपके स्किन को मॉइस्चराइजिंग रखेगा, क्या ये आपकी पिम्पल्स की प्रॉब्लम को ठीक करेगा। सो किन किन बीमारियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें इस वीडियो। ग्लाइको 6 क्रीम को माइक्रो लैब्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है। इसकी जो एमआरपी है 220 रुपीज़ की एमआरपी आती है। 30 ग्राम्स का ट्यूब आता है। इसके अंदर जो कंटेंट है, इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड आएगा 6%। ग्लाइकोलिक एसिड जो है कि फ्रूट से एक्सट्रैक्ट किया गया हुआ नेचुरल इंग्रेडिएंट है, जो आपके फेस के डेड स्किन सेल्स को रिमूव करके नेचुरल स्किन लाने के लिए मदद करता है। अगर आपको मेलास्मा की प्रॉब्लम हो रखी हो, अगर आपको ब्लैक चकत्ते हो रखे हो, अगर आपको फेस के ऊपर या कोई और बॉडी पार्ट में कोई ब्लैकनेस आ रखी हो, उसको ठीक करने का काम करता है ग्लाइकोलिक एसिड। साथ ही आपके ब्लैक हेड, व्हाइट हेड की प्रॉब्लम को भी ठीक करने का काम करता है ग्लाइकोलिक एसिड। आप जानते हैं सो किन किन नामों से आपको मिल जाता है। मार्केट में इसके बहुत सारे ब्रांड आते हैं, जैसे GA 6 करके आता है एंड ग्लिविल 6 करके आता है। बहुत सारे ब्रांड आते हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आप जानते हैं ग्लाइको 6 क्रीम के यूजर्स क्या है, सो किन किन बीमारियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लाइको 6 क्रीम को अगर आपको नेक के एरिया के पास कोई ब्लैकनेस आ रखी हो या अंडर आर्म्स में कोई ब्लैकनेस आ रखी हो, उसको भी ठीक करने का काम करता है। साथ ही अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रखी हो, अगर आपको ब्लैक हेड, व्हाइट हेड की प्रॉब्लम हो रखी हो, उसको भी ठीक करने का काम करता है। साथ ही अगर आपको मेलास्मा की प्रॉब्लम हो रखी हो या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रखी हो, उसको भी ठीक करने का काम करता है। साथ ही अगर आपको एंकल्स के पास या घुटनों के पास कोई ब्लैकनेस आ रखी हो, साथ ही अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो रही हो, उसको भी ठीक करने का काम करता है। जानते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या है। साइड इफेक्ट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, नहीं तो उसके से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो वीडियो को पूरा देखें। इसके उतने साइड इफेक्ट देखे नहीं गए हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको इचिंग हो सकती है, आपको चकत्ते हो सकते हैं, आपको रेडनेस आ सकती है इसको लगाने से। तो आप इसको इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर करें। अगर आपको साइड इफेक्ट नहीं होता तब आप इसको फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप जानते हैं इस क्रीम को कब एंड कैसे लगाना है। ग्लाइको 6 क्रीम को रात को आपको फेस वॉश करके, जहाँ पे आपकी स्किन की प्रॉब्लम है, जहाँ पे आपको ब्लैकनेस आ रखी हो, वहाँ पे वॉश करके नाइट में इस क्रीम को इस्तेमाल करना है। एंड साथ ही डे टाइम में आपको सन प्रोटेक्शन क्रीम का इस्तेमाल करना है। इस क्रीम को आपको वीक में 2 या 3 बार उतना ही लगाना है, डेली बिल्कुल इस्तेमाल ना करें इस क्रीम को। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इस क्रीम को 3 से 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इस क्रीम को 2 से 3 बार वीक में उतना ही लगाना है। आप जानते हैं इसको कौन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस क्रीम को अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हो, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हो, अगर आपकी एज 18 साल से नीचे है तो आप इस क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप कोई भी क्रीम लेते हो तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।